पेश है प्राइम टाइम बुलेटिन। मन की बात में पीएम मोदी ने उठाया कश्मीर में आतंकवाद और जल संरक्षण का मुद्दा, बोले नफरत फैलाने वाले नहीं होंगे कभी कामयाब। बाढ़ पीड़ितों को दिया मदद का आश्वासन। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनाने का किया खुलासा, बोले पार्टी को थी परिश्रमी और राष्ट्र के प्रति समर्पित शख्स की तलाश, योगी ने टूटने नहीं दिया विश्वास। दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने किया 65,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ, लखनऊ में आयोजित हुआ था कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारी, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई अहम बैठक, साल के अंत तक हो सकते हैं चुनाव। मॉब लिंचिंग पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जताई चिंता, बोले हिंदू धर्म और संस्कृति को बदनाम करने की हो रही है कोशिश, संघ प्रचारकों को सद्भाव पैदा करने का दिया आदेश। बेनिन, गाम्बिया और गिनी की यात्रा पर गए राष्ट्रपति कोविंद, कई समझौतों एवं सहमति पत्रों पर करेंगे हस्ताक्षर। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, बोली बारूद को हाथ लगाने के बराबर है अनुच्छेद 35A के साथ छेड़छाड़, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती पर भी जताई नाराजगी। मेघालय विधानसभा स्पीकर दोन कुपर रॉय का गुरुग्राम में निधन, मेदांता अस्पताल में थे भर्ती, 2008 में एक साल के लिए बने थे मुख्यमंत्री। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा कल साबित करेंगे बहुमत, स्पीकर ने आज सभी 17 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया। महाराष्ट्र विधानसभा की 240 सीटों पर कांग्रेस और एनसीपी के बीच बनी सहमति, पवार ने ईवीएम से चुनाव पर जताया ऐतराज। भारी बारिश से देश के कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित, उत्तराखंड और हिमाचल में हुआ भूस्खलन। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।